इधर अखिलेश ने मुलायम को दी मुखाग्नि, उधर पीएम मोदी करने लगे मौत की बात। देश में मुलायम की मौत की चर्चा, मोदी ने कहा मुझे तो मौत का सौदागर कहा गया। सोनिया का वो बयान जिसने बदल दिया था इतिहास। पीएम मोदी ने मंगलवार को गुजरात के राजकोट में रैली की। इस दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों दल रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें गाली देने का ठेका आउटसोर्स किया है और अब ये ठेका किसी और को दे दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस चुपचाप अपना काम कर रही है। गुजरात के राजकोट में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कांग्रेस के प्रति जागरूक रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें गाली देना बंद कर दिया है और वह ग्रामीण वोट हथियारों के लिए चुपचाप काम कर रही है। पीएम ने कहा पिछले 20 सालों में जो लोग गुजरात के खिलाफ थे उन्होंने राज्य को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि मुझे मौत का सौदागर कहने सहित मेरे खिलाफ मनपसंद गालियां थी। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा वे अचानक चुप हो गए, उन्होंने हंगामा करने, शोर मचाने और मुझे गाली देने का ठेका दूसरे को आउटसोर्स कर दिया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि वे चुपचाप गांव में जा रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।